तस्मै श्रीगुरवे वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो महावदन्दाय कृष्णप्रेमप्रदाय कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरस्तुजे गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तथाले कृष्णाय कृष्णभक्ताय तव भक्ताय यं प्रभजन् तमनुपेतमपेतकृत्यम् द्वैपायनो विरहकातया पुत्रेति तन्मयतया सर्वो विनेदो तं सर्वभूतलिकरम् अपने परमाराध्यम ओम विष्णु पाद सत्तर सूचना भक्ति प्रज्ञान के सर्वस्थान महाराज जी श्री चरण कमलों में अनंत कोटि तत्पश्चात अपने शिक्षा जो नित्यलीला प्रवेश भक्ति विचरण पदों में अनंत कोटि रामानंद संवाद नहीं
एक तो श्लोक ये बतलाया और दूसरा श्लोक बतलाया उसी पर ध्यावली का कृष्ण भक्ति रसभागिता मती यतान कुतो की यदि लभ्यते तत्र लोलन फिर मेरी कदम कोटि जन्म सुकृति न लभ्यते। कृष्ण भक्ति रस भागिता मती यदि सौभाग्य से जन्म जन्मांतरों के सुकृति से या किसी प्रकार से यदि कृष्ण रस भावित मति कहीं मिल जाती है, कृष्ण भक्ति रस विभावित ऐसी बुद्धि ऐसी मति जो कृष्ण के रस में पगी हुई हो कहीं ऐसी मिल जाए क्रियता उसे खरीद लो। कुतो भी जल्दी लगते कहीं भी मिले यदि कृष्ण भक्ति रस में सारा हो मति मिल जाए ले लो तत्व लग मत उसका मूल्य क्या है एकमात्र लौल्य लौल्य ही उसके लिए एकमात्र गति लोभ ही उसके लिए एकमात्र गति है। जन्म कोटि 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 जन्मों की सुकृति या पुण्य से वो नहीं होती। तात्पर्य क्या है पहला जो बताया नानोपचारितम पूजनम आर्तबंधो वो वही भक्ति और ये कृष्ण भक्ति रस वही भक्ति नहीं है यह अरंग भक्ति है अनुराग वही भक्ति रस स्वामी सिंधु में रागानुराग और वही भक्ति का लक्षण बताया गया जहां पर राग राजमणि कृष्ण के प्रति अनुराग स्वाभाविक रूप में हो लोक हो गई लोक नहीं हो तो उसको रागानुराग भक्ति करते हैं। जहां पर राग अनुराग कर कृष्ण के प्रति राग ममता भाई जो अनुराग है वो नहीं है लोक नहीं है तो उसको वैदिक भक्ति कहां तक ले जाएगी वैकुंठ तक गति है उपार में गति नहीं है अधिक से अधिक और रागानुराग कहां ले जाएगी एकदम ब्रज तक ले जाएगी। इसलिए दोनों पंक्तियों का यहां पर विवरण दिया विचार किया यहां पर ऐसे ही बतलाया गया एक मई पर एक बतलाया गया शास्त्र अवधारणा मई पर शास्त्रों के पढ़ने से अध्ययन से उसके डर से यदि भक्ति नहीं की जाएगी तो कोटि जन्म में वो नरक में प्राप्त इसलिए भक्ति का आदर करना चाहिए अनादर नहीं करना चाहिए इस डर से यह हमारा कर्तव्य है कि मात्र का भगवान का भजन करना कि उन्होंने हमको जन्म दिया ये विधिकरण कार्य करता है शास्त्र अवधारणा में और दूसरी है लोभमयी बात भगवत कथाओं को सुनने से दामबंधन लीला श्रवण करने से या और सब लीलाओं को श्रवण करने से यदि लोग हो जो कृष्ण जैसे यशोदा मैया श्रीदान सुबल गोपियां कृष्ण की सेवा करती वैसे हम भी सेवा करेंगे ये दो भाग्य भी आ गया तो वही से रागानुसार यदि रागानुगा भक्ति किसी कारण से उपस्थित हो गई
तो उसके लिए श्रद्धा, निष्ठा इत्यादि की आवश्यकता नहीं रहती। एकदम रुचि से आरंभ करता है, गुरु पदार्थ करके वैसे गुरु को लाभ करके पदार्थ करते एकदम रुचि से मुक्ति पति आरंभ। रागा का प्रारंभ वो पहले के निष्ठा इत्यादि उसमें पहले से होती है, इसलिए उसकी आवश्यकता नहीं होती है। इसलिए कोटि जन्म सुकृति न लगते थे, मतलब क्या, कोटि कोटि जन्मों के सुकृति से साधु संघ होता है और साधु संघ के द्वारा भक्ति होती है। किंतु लोकमय भक्ति जो है रागांगा कोटि कोटि जन्मों की सुकृति से भी नहीं मिलती है, वो तो भगवत कृपा यदि हो, भक्तों की कृपा हो तो ये कहीं हो सकता है। इसलिए महत कृपा उसमें भी भगवत कृपा महत कृपा के अनुगामिनी होती है। ऐसे भक्तों का यदि श्रवण किया जाए जैसे सुखदेव गोस्वामी ने सुनाया परीक्षित महाराज यागानंदा भक्ति हो, उसमें भी कितनी उन्नत होती है। इसलिए सबके अंदर में महत कृपा की आवश्यकता साधु संघ, किंतु साधु संघ भी वैसा हो उच्च कोटि का रागानुगा युक्त हो, विशेष करके रागानुगा में भी पचित जो रूपानुग है रूपानुग कर यदि हो तो बहुत ही सरल सहज हो जाता। सभी रागानुग रूपानुग नहीं है, किंतु सभी रूपानुग रागानुगा है सभी, इसलिए ये दुर्लभ है। रागानुगा में भी रूपानुग जो है परम दुर्लभ है। इस तरह से एक चीज और समझो, यह प्रेम दो प्रकार का होता है। ऐश्वर्य ज्ञान युक्त हमने इसको पहले भी बताया और माधुर्य ज्ञान अथवा महात्म ज्ञान युक्त संभ्रम ज्ञान अथवा गौरव ज्ञान अथवा सेवा में संकोच, एक प्रकार का ये महात्मा ज्ञान जो कृष्ण का भगवान कृष्ण भगवान है ये महात्मा, ऐश्वर्य ज्ञान जो तो वही और गौरव। अभी वो बताएंगे इसके सब विषय में, विशेष करके हम इसको पीछे से बताएंगे। अभी तुम्हारी बात करो of Sri Vaidyanatha Sampada. Yesterday we heard
how Sri Gauravananda gave a suggestion. Prema Bhakti Sarva Satya Sar. The essence of all objectives in life is Prema Bhakti. So, Mahaprabhu requested that he should give some praman to support his suggestions. So Radhananda, he gave two verses as evidence from Adhyayavani text 13 and 14. First, Nano Pacharakrita Pujama Arta Bhagavad Premanava Bhakti Vidayam Sukhavidyatam Shat. In this verse it's described that if Prem is in the heart of the devotee and he serves his Prabhu with Nana Upachar, various types of paraphernalia and preparations, then his Lord will accept those offerings and be very happy. But if there's no praying, then he will not be pleased. Just as if someone has hunger and thirst, then some food and drink is very appealing to them and gives them happiness. But if there's no hunger and thirst, then food and drink can't give them any happiness. This is the first verse. Now, the second verse, Krishna Bhakti Rasa Bhavatamati Kreta Meri Kutopila Dite Tatalo Yamapi Munamekalam Koti Jama Sukutana Nadila Dite. It means, Krishna Bhakti Rasa Bhavatamati. There is a condition of the mind, of the heart, Mati, wherein the consciousness is totally infused and absorbed in Krishna Bhakti Rasa, the mellows of love for Sri Krishna. So if this state of consciousness is available anywhere, then one should buy it. If it's available anywhere, one should buy it at once without delay. But there is a price. What is the price? Loyam, greed. One has to be very greedy. It cannot be attained by performing pious activities in 10 million lifetimes. Janma koti sukrita nala vite. 10 million lifetimes of pious activities will not give this. So what is the meaning? The first verse, Nano Pachara Krita Pujana Achabhando, we should know that this is referring to the method of Vaidhi Bhakti. And this particular verse, Krishna Bhakti Rasa Bhavitamati, is referring to Raganuga Bhakti. Raganuga Bhakti is anuragmai. It is inspired by spontaneous deep attachment. If there is Raga, that means a natural thirst for Sri Krishna, then it's Raganuga Bhakti. If not, then one's practices fall in the category of Vaidhi Bhakti, as explained by Srila Rupa Goswami in Bhakti Rasamrita Sindhu, Yatra Ragana Bhaktatva Pravriti Upajayate, that if one's inspiration to render the limbs of devotional service is devoid of rag or a natural thirst, then this is called Vaidhi Bhakti. This Vaidhi Bhakti can take one up to Vaikuntha, but Radhanuga Bhakti extends as far as Braj in Goloka Vrindavan. So in this regard, we should be aware that there are two types of Shraddha or faith. The first type of faith is called Shastra Artha Avadharani Mani Shraddha. Shastra Artha Avadharani Mani Shraddha. It means that a person, by hearing the scriptures, he thinks, I should follow the injunctions related to devotional service, because if I don't, then if I neglect devotional service, I'll have to go to hell for many, many lifetimes. And therefore, I should do bhajan. And this is my... I should do bhajan because this is my duty in life. So out of a sense of duty, out of a sense of fear of that one should not go to hell, then one engages in devotional service. This is Vaidhi Bhakti. So that type of faith is called Shastra Artha Avadharani Mani Shraddha. The second type of faith is called Lokamani Shraddha. The faith which is composed entirely of greed. It means that when a person hears about the sweet pastimes of Krishna,
such as how much your shoulder binds him for stealing butter. Or when he hears about the services of Madhyashoda, the services rendered by the friends of Krishna Subal and others, then that person, upon hearing about the services of Vrijavasis, he develops a spontaneous desire. I also want to serve Krishna as they are serving Krishna. So this faith is called Lobamaya Sadhana. So, we know that Bhakti develops Adoshadha, Tathasadusara, Vajanakriya, Anathaniriti, Nishta, Ruchi. So Radhanuga Bhakti begins from here, from the stage of Ruchi. But Vaidhi Bhakti can be performed without any taste, because it begins from the stage of Adoshadha. So, if one performs so many pious activities, he makes Sukriti. This Sukriti will lead to Sadhu Sangha. But 10 million births of pious activities, it will not bring one to Radha Marga. Then what is required? Mahat Kripa and Bhagavat Kripa. The mercy of a pure devotee and the mercy of Krishna. The mercy of Krishna is included in the mercy of the pure devotee. And whenever pure devotee gives mercy, Krishna's mercy follows behind in the wake of that. So, sadhu sangha is needed, but not ordinary type of sadhu. A very high class of sadhu, who himself is absorbing Radha Marga. And then, by associating with them, especially those who are not only Radha Nuga, but Rupa Nuga, by associating with them, naturally, this type of greed is attained. So, all of those who are Rupa Nuga, they are Radha Nuga, this is true. But everyone who is following Radha Nuga, they are not Rupa Nuga, because they don't have the speciality of following exclusively in the footsteps of Sri Rupa Goswami externally and Sri Rupa Goswami internally. So, such Rupa Nuga Vaishnavas, they are extremely rare. So now Srila Gurudev is explaining that praying is of two types. The first type is Aishwarya Jnana Yukta Praying, the love for Krishna, which is imbued with knowledge of his opulences. Sometimes it's called Mahatva Jnana Yukta, means imbued with knowledge of Krishna's Mahatva, his greatness. Sometimes it's called Gaurava Praying. Gaurava means that this love has within it feelings of awe and reverence. And therefore, it is also called Seva Sankoch. It means that the tendency to serve becomes restricted. So Srila Gurudev explained that he has already defined all the disadvantages of this Aishwarya Yukta praying. So now we'll explain the second type of love, which is completely free from Aishwarya Jnana. সকলে ঘুমাচ্ছে আর উসমে ভি এক বৈরী ভক্তি সম্পন্ন আর দূসরি রাগাঙ্গা সে যুক্ত আর সঙ্গম মে ইহ বদলায় আগে কহ इसे और भी कुछ आगे हमको कहो अभी हम लोगों ने बताया ये बैकुंठ में शांत रस की प्रधानता है यदि प्रेम है किंतु ऐश्वर्य भाव वहां है गौरव संभ्रम भाव है इसलिए सेवा की उपासना को पढ़ने का अधिक अवकाश नहीं अच्छे बैकुंठ में तो नहीं है और अयोध्या में राजा का भक्ति है कि नहीं राजा का भक्ति है किंतु वही गौरव संकोच वही है महापुरुष जी की इच्छा ये सुनने की नहीं है वो क्रमशः कहां ले जाना चाहते हैं ब्रज में ले जाना चाहते हैं
और जितनी प्रकार की भक्ति है वहां तक क्या है। मथुरा द्वारका की भक्ति में भी ऐश्वर्य भाव से पा हुआ है गौरव, सब जगह इनके दास प्रेम ही प्रधान है, वो भी ब्रज का दास जैसा नहीं। इसलिए अयोध्या में अर्थात द्वारका मथुरापुरी में रंगानंदा भक्ति है, किंतु गौरव भाव संप्रम भाव संकोच सेवा का संकोच वहां पर रहता है। इसलिए महाप्रभु की इच्छा क्या है, ब्रज में चलो, ब्रज में माधुर्यमयी शुद्ध प्रेममयी भक्ति है। इसलिए बोले जी नो भवत आगे अवसर रामानंद जी उनके भाव को समझ गए और तब बतलाया राय कहे दास प्रेम सर्वसाध दशा दास प्रेम। एक बार प्रेमा भक्ति की चर्चा हो रही थी और ले आए दास प्रेम, बीच में क्या छूट गया, शाम पर छूट गया तो शांतरस क्यों छोड़ दिया, जानबूझ करके छोड़ दिया। वो भी ब्रज का भाव लाने के ब्रज का वो जो कहा है वो पूर्ण रूप से ब्रज में वो रखा, द्वारका में मथुरा में या वैकुंठ की त्यागी में संभव नहीं, नहीं। वो प्रेम तो दास्य से पहले तो शांत रस है, तो शांत रस में निष्ठा है, मन निष्ठता तो है, ममता का विकास नहीं है और ममता नहीं है तो वो प्रेम प्रेम नहीं है। कौन रस से सेवा करते हैं उनका रस भी अभी ठीक है, परक्षण अंदर सनातन जानते तो वो सभी बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं है किंतु उनका अपना किस विषय में रस है, उनका शुद्ध क्या सिद्ध देह कैसी है, किस रूप में सेवा करते हैं, ये सब ठीक नहीं। जैसे रूप गोस्वामी का है, रघुनाथ दास गोस्वामी सनातन गोस्वामी का है और लोगों का है, ऐसे इनका नहीं है। पर ब्रह्म स्थित जो परिकर होते हैं उनमें शांत का रस होती है, उनकी बुद्धि में भगवान की निष्ठा तो रहती है, ममता का अभाव रहता है, कृष्ण को छोड़कर के और किसी को नहीं जानते ये निष्ठा है, इसलिए उनको भक्ति में भी उनको भी रख लिया गया। इसलिए दासक तो बदलाया किंतु दासक में भी एक दो तरह का नहीं होता, बहुत तरह का होता है। इसमें साधारण रूप में जो दास रस लिया है तो वैकुंठ में भी दास है, अयोध्या में भी हनुमान जैसे दास है और द्वारकापुरी में उद्धव सांब उग्रसेन इत्यादि सभी तरह तरह के दास हैं। और ब्रज में दास हैं, ब्रज का जो दास है ये शुद्ध है और लोगों में कुछ ऐश्वर्य के ज्ञान ग्रंथ वहां के दास में कृष्ण ने कहा है चैतन्य चैतामृत में जिस प्रेम में सम बुद्धि अथवा जीव बुद्धि होती है कृष्ण में उसे द्वारावर्ती कुछ होता है,
आया समझ में नहीं? कोई भक्त है वो अपने को कृष्ण से ऊंचा माने, मैं बड़ा हूं, अथवा संत जरूर मानना होगा, कृष्ण हमसे छोटा है, बलदेव जी बलदेव जी का भाव है छोटा, और सब सखाओं का भाव क्या है? अरे तुम्हें किसे पढ़ो? तुम्हें हमेशा ऐसे भक्ति के अधीन भगवान होते हैं। इसलिए ब्रज के दास जो है वो कुछ दास भाव वात्सल्य भाव युक्त होते हैं, और जब हम ऐसा है वो कुछ संभ्रम ज्ञान युक्त होते। हनुमान जी राम का आलिंगन नहीं करेगा, राम भले थोड़ा सा आलिंगन करें, और हनुमान जी को कोई चीज मीठी लगी तो मुख से निकाल करके खिला नहीं देंगे, राम के कंधे पर नहीं चढ़ेंगे, राम को अपने कंधे पर चढ़ाएंगे। उनसे बल्कि श्रेष्ठ मथुर द्वारका के लोग हैं, वो सेवक कौन है? पांचों पांडव लोग सेवक हैं, उनके साथ में कुछ सत्य भाव नहीं है, थोड़ा सा गौरव भाव। इसलिए दास प्रेम ब्रजता जो दास प्रेम है वो वात्सल्य मिश्रित है, दशा प्रकाश प्रसाद। इसलिए दो श्लोक दिए, जन नाम श्रुति मात्रेण पुमान भवति निर्मल तस्य तीर्थ पद किम बाधा था नियम अवशिष्य। ये हमारे दुर्वासा ऋषि जी कह रहे हैं, अम्बरीश महाराज, ओहानंद दाता नाम महत्तम दृष्टम मध्यम, ओहो आज मैं महापुरुषों का भगवान के भक्तों की महिमा आज हमने देखी, मैं डर के मारे भागता रहा और ये भागे भी, और हमको पहले से क्षमा कर दी है, और उसी के बाद का ये श्लोक है जन नाम स्तुति मात्र। ओहो भक्तों की महिमा हम क्या करें, उनको कौन सा ऐसा चीज है जो नहीं मिला, अर्थात उनको सभी कुछ मिल गया, उनका जीवन सब प्रकार से कृतार्थ है। जन नाम स्तुति मात्र, जिनके नाम श्रवण करने से ही सागर पवित्र बन जाता है, निर्मल हो जाता है, संसारिक सब प्रकार की आशाएं इत्यादि दूर हो जाता है, कोई भी अपने लिए कुछ रण नहीं जाता, बस कृष्ण सेवा के उपयुक्त बन जाते हैं। बस तीर्थ पद, वो जिनके पदों में तीर्थ है किम बात, उनके दास में क्या बाकी रह गया? अम्बरीश तुमको क्या नाम मिलना चाहिए सुना गया, तुमको तो सब कुछ मिल गया है क्योंकि उन प्रभु के कारण। इसलिए एक श्लोक मुझे याद नहीं आ रहा, भगवान के भक्तों का ही कितना कितनी महिमा है तो भगवान की कितनी महिमा है। अच्छा, तो अम्बरीश महाराज के लिए ये कह रहे हैं कि आपके लिए कुछ बाकी नहीं रह गया, इसके लिए यमुनाचार्य का एक श्लोक और, यमुनाचार्य कौन है? रामानुज के गुरु, भवंतम एव अनुचरंतम निरंतरम प्रशांत निशेष मनोरथांतर कदा मे कांति नित्य देकर प्रहस्यामी सनाथ जीवितम। भवंतम एव निरंतर, जो लोग आपके नित्य
किंकर है, प्रशांत निशी सब कोई भी उनके हृदय में आता लालसा नहीं रहती। कृष्ण भक्त शांत और कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत भुक्ति मुक्ति सफली अशांत। उनका कोई मनोरथ है कोई बात दूसरे जगत का कृष्ण की सेवा के अतिरिक्त और कोई वासना या कृष्ण भक्तों की सेवा के अतिरिक्त वासना कहीं नहीं रह गई, सब प्रकार से निकल ऐसे एकांतिक भक्तों का मैं किंकर भक्त होता। मैं ऐसे भगवान के भक्तों को कब प्रसन्न करूंगा अपनी सेवा के द्वारा। तात्पर्य क्या, जब तक कि सब प्रकार के मनोरथ दूर ना हो जाए संसार और कृष्ण पर ऐकांतिक ना हो जाए और वो भी ब्रज के भाव के अनुसार में अनुरूप में हो, महाप्रभु ये चार रहे ले जाना ब्रज की तरफ में, तो बहुत सहज ही यह रूपानुगा भक्ति होगी, राधानुगा भक्ति होगी और ब्रज में वो भक्ति पाएगा, उसका जीवन सफल हो जाएगा। So now Sri Vairavananda has given examples of verses which explain about Vaidhi Bhakti and Raghavan Bhakti. Upon hearing this, Sri Chaitanya Mahaprabhu said, Ehohai, this is acceptable, but go further. So then Sri Vairavananda, he said, Dasya Prayam Sarva Sadhya Sai, the love in the servant's mood, this is the essence of all objectives of life. So, in Vaikuntha, Shantaras is prominent. And because of feelings of one reverence, then service is restricted. In Mathura, there some sweetness but mixed with Aishwarya. There is Dasya Prem in Mathura, but this Dasya Prem cannot be compared with the Dasya Prem of Braj. Srila Gurudev raised the question, can one follow the path of Raghunatha Bhakti to attain Ayodhya? Yes. But this is also has some feelings of awe and reverence in it. So the service mood is restricted. So Chaitanya Mahaprabhu's opinion is, oh, you should try to attain Braj, because this bhakti is Madhurya Mai. It is completely full of sweetness. So, Vairavananda, after speaking about praying, he at once began to describe Dasya of praying. So a question comes, why is it that this Shantaras has been omitted? It has been left out. Because in Shantaras, there is Nishtha. There is attentiveness to Krishna, leaving aside everything else. But there is no Mamata. So where there is no Mamata, which is the very sarupa of love, the nature of love, then we cannot really say that there is praying. So Srila Gurudev gave the example of the four Kumaras. They are Santaras Bhaktas. They know everything, but they don't know how to render service by sitting there, like as Rupa and Raghunath have shown by their lives. So now, Sri Vandana Rai, omitting Shantarasa, is discussing Dasya Prem. There are many types, but the example he's giving here is an ordinary type of Dasya Prem, which is prominent in Vaikuntha. We see that in Mathura, in Dwaraka, there are many sources of Krishna such as Uddhava, Samba, and Ugrasena. They also have Dasya Bhava, but of many different types.
So Sri Chaitanya Mahaprabhu explaining, sorry, Krishna himself explaining Sri Chaitanya Charitamrita that if there is love wherein the devotee thinks, oh, I am equal to you, Krishna, or I am even superior to you and you are less than me, then this type of praying can control Krishna. The parents of Krishna, they think that they are his superiors in Gurujana. And the friends of Krishna, they say, oh, what kind of big person are you? You are not more important than me, we are equal. So this love can control Krishna. We see that Hanuman, he is also an example of Dasya praying. But he has no opportunity to embrace Lord Ram. He cannot give his reverence to Lord Ram. He cannot sleep on the same bed. Therefore, the Pandavas who associate with Sri Krishna in Dwarka, they are even superior to Hanuman. So now, Sri Ramananda Rai is giving an example from Srimad Bhagavatam. It's a verse spoken by Durvasa Muni to Ambarish Maharaj. When Durvasa Muni had been chased all over the universe by the chakra, finally, on the order of Sri Narayan, he came to Ambarish Maharaj and gave his pranam there. And Ambarish Maharaj prayed, and the Sudarshan chakra went away. So that time, Durvasa Rishi said, Ahoyananda Dasanam, Mahatam Dasanandine, Kritakasopi Yatrajan Mangalani Samyate. Alas, alas, how wonderful it is today, I have seen the glories of the servants of the Supreme Personality of Godhead. Why? Because even though I tried to harm him, I tried to kill him, but what did he do? He prayed for my benefit, for my welfare. So following that verse comes this verse, which is being quoted by Sri Ramananda Rai. Yadna ma shukti matrena puman bhavati nirmala tashyate tapadakim va dasanam avasisyate. The meaning is, Durvasa Rishi said, the Supreme Personality of Godhead, he is so powerful that simply by hearing the sound of his name, one becomes purified. Simply by the touch of his feet, the holy places are manifested. So, if someone is the servant of such a great personality, as Bhagavan, then what is left? Those who have attained the service of that person who is so great, what is there left for them to attain? There's nothing left over for them. They have attained everything. So, after that, Sri Ramananda Rai is giving another example of Dasya Bhav. It is a verse of Sri Stotra Ratna composed by Sri Yamunacharya. Yamunacharya is the guru of Sri Ramanujacharya. So he is praying, it means that the pure devotees who are one-pointed, completely fixed in one-pointed service to the lotus feet of their Prabhu, they are completely happy in the service of their Lord. And their mind being one-pointed on their Lord, it has no attraction to anything else whatsoever. They have given up every other type of desire. So therefore, in Sri Chaitanya Charitamrita, Prabhu stated, Krishna Bhakta Nishkama Etere Vashanta Bhukti Mukti Siddhi Kali Sakali Ashanta. It means that only the pure devotees are peaceful. Why? Because they don't have any other desires. They're fully satisfied in the service of the Lord. But all others, those who Bhukti Mukti Siddhi Kali, those who want sense gratification, those who want, those yogis who want mystic power, and those who want liberation from this world, they're all filled with desire. They have desires for sense gratification, mystic power, and liberation respectively. And therefore, their hearts are never peaceful. Because they're disturbed by desire. So only pure devotees, their hearts are peaceful. So Srila Gurudev said, she tries to associate with devotees like this. Only those who they have given up all desire for everything else will be able to attain perfection in devotional service and attain the treasure which is distributed by Sri Chaitanya Mahaprabhu. Mahaprabhu ji ne Dasharath ki baatein sunkar bole ki aur kuch aage hai to bolo. प्रभु का यह भाव
ये ठीक है, आगे कुछ कहो यदि है तो। और राय करें सप्त प्रेम सर्व सात दशा सात सात जो प्रसाद ये सब खर्च। उसके उदाहरण के लिए शास्त्र काशी भागवत का उदाहरण दिए। अब तक जितने उदाहरण दिए गए थे साधकों के उदाहरण दिए गए थे अब तक, और सख्त कहने पर नित्य परिवारों का ब्रज के नित्य परिवारों का उदाहरण आए तो वो उदाहरण स्वरूप श्रीमद् भागवत का एक श्लोक बतला रहे हैं दसवें स्कंद बारहवें अध्याय का, सखाओं के प्रेम की बात। इत्थम सखान ब्रह्म सुखानुभूत्या दास्यां गतानां परदैवतेन माया पितानां नरतारकेन सार्थं विद्यावतु कृतपुण्य पूजा। क्या तात्पर्य? ओहो कितनी सौभाग्य की बात है, ब्रज की सफल हो सीताराम सुबल मधुमंगल इत्यादि कृष्ण जैसा आदमी विहार करते हैं, वो कैसे विहार करते हैं? ऐसा विहार और लोग नहीं कर सकते, संभव उनके लिए नहीं है। अब ये नीचे से आरंभ कर रहे हैं सतान, इतना सतान ब्रह्म सुखान हो, जिनके साथ में विहार कर रहे हैं ये सखा लोग सिद्धांत सुबल। अरे वो है कौन? बड़े आश्चर्य के साथ में कहे सतान साधु लोग, साधु लोग माने निर्विशेष साधी। कौन से निर्विशेष? ज्ञानी वाले नहीं होंगे, भक्ति मिश्र जो ज्ञानी है जो बदलाया गया गीता में लगते पराण भक्ति लगते पराण जिसमें भक्ति है और उस भक्ति के बल से कृष्ण के प्रभाव को भी कुछ जानते हैं, ऐसे सतान साधु। अतः भक्ति युक्त ज्ञानियों की बात यहां पर कर रहे हैं, वो लोग जिसको अर्थात कृष्ण को ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर ब्रह्मानुभव ब्रह्म सुख करते, एक ब्रह्म सुख है। क्या है? जे जता माम प्रपद जनते ताम तथरु भजाम, जो लोग जैसा हमारा भजन करते हैं मैं उनको वैसे ही गति देता हूं। तो जो लोग ऐसा भजन करते हैं भक्ति के प्रभाव से भक्ति विश्व ज्ञान से कि मैं साहित्य सुख का अनुभव करूं। तो साहित्य तो क्या है? कृष्ण को ही ब्रह्म के निर्विशेष ब्रह्म के रूप में दर्शन करते हैं। उसमें केवल ऐसा होता है तो अलग किंतु कृष्ण उनकी उस बुद्धि को रोक कर देते हैं और समझते हैं उनको ये समझ में आता है कि मैं ब्रह्म में मिल गया और मैं एकदम ब्रह्म सुख। कृष्ण को ही देखते हैं और कृष्ण ही ऐसा करते हैं योग माया के प्रभाव से उनकी प्रति मैं कृष्ण कृष्ण तो अवानुभूति अलग से रहती नहीं, ब्रह्म सुख ब्रह्म की अनुभूति युक्त जो सुख है उसमें दुख नहीं है, एक है सुख। तो ये साधु लोग जो हैं जिनको ब्रह्म अनुभव सुख कहते हैं क्या कृष्ण के साथ में विहार कर सकते हैं? दूसरी कोई वस्तु है तब तो
दूसरी कोई वस्तु ही नहीं है, केवल ब्रह्म सुख ही है, क्वालिटी है, किंतु प्यार नहीं है, सत्ता उसमें नहीं है, इसलिए क्या आप प्यार कर सकते हैं। अरे सरकार कितने सौभाग्य है उनके साथ में प्यार करते हैं और दर्शन बताना जो उनके दास हैं क्या करते हैं परोदी पते ना उनके पढ़ा हाथ है कम है भक्तों के। तो जहां ये भाव है मैं उनका वे हमारे आराध्य हैं मैं उनका सेवक हूं तो उनके साथ में प्यार संभव नहीं। वो तो उनके परम आराध्य देवता हैं। जैसे जदुपुरी के जादव लोग परोदी वो बारह वर्षों की बात में मल्ला नाम अश्विनी नाम गड़बड़ उसमें है वो वहां के पर होता है उनके साथ में क्या बिहार करेंगे नाराज करेंगे ना क्या करेंगे सखा जाए कृष्ण भी बिहार नहीं करेंगे पर माया से कहना माया मोहित जो लोग हैं उनके लिए नरदार कहना केवल मनुष्य का लड़का है इसलिए उसको तुक्ष मानते हैं आराध्य नहीं मानते उनके साथ विहार भी नहीं करे उनका तत्व ज्ञान ही नहीं है वो उनको तुक्ष समझ करके एक साधारण व्यक्ति ये नंद जो सुदाय भूप है उनके एक साधारण पुत्र है उनके साथ में उनकी रुचि नहीं होती है विहार करने इसलिए नरदार के पुण्य पुण्या और सखा लोग कहते हैं साधन दे जाओ तो पुण्य पुण्य न जाने कौन सी कोटि कोटि पुण्य पुण्य माने समूह कोटि कोटि पुण्य पुण्य किया है जो आज उनके साथ में तिहार कर रहे हैं। भाई कैसा भी है वो बिहार कैसा रोमनीय है तो उसके लिए कहें वन में जाते ही पत्र पुष्पों के द्वारा कृष्ण का श्रृंगार करते हैं और कृष्ण भी उनको श्रृंगार करते हैं पत्र पुष्प बेत्र बेचानु बेनों को चोरी कर लेते हैं कृष्ण ने उनको चोरी कर ली और वो देखने ले वो पीछे दे दिया वो पीछे दे दिया कहां एक बाइक चला गया ये चोरी करते हैं परस्पर उसको दूर कर देते हैं और वो खोजने लगता है कहता है जैसे तुम ये करो तो हम देंगे कंधे पर बैठा करके ले जाओ तो देंगे। कृष्ण की बंसी भी चोरी कर लेते हैं सखियां भी चोरी कर लेते हैं कृष्ण दूर जाने पर कौन पहले उनको देखे कौन पाले पहले उनको स्पर्श करे पशु पक्षी की बोली बोलते हैं मयूर की बोली को कोयल की बोली आचरण उसका अनुकरण करते हैं मेढक के समान चलते हैं मेढक जैसे उत्तर उत्तर से चलते हैं ये सखा लोग ऐसे करते हैं कभी बंदर का पूंछ पकड़ लेते हैं और वो एक पेड़ से दूसरी पेड़ पर कूदा तो वे उसके साथ में कूद करके चले जाते हैं। कभी कभी बगले जैसा एक पैर पर खड़े होकर के तपस्या करने का भाव निकलाते हैं बगला और कभी कभी और तरह तरह की लीलाएं किए हैं बिहार कृष्ण का अपन बिहार प्रसन्न रूप से गायों के लिए उनको जरूरत नहीं है देखने की गाय तो खाती करके अपने आप मस्त हो जाए पागल करते जिसे ये और लोगों के लिए सतान क्योंकि भक्त लोग हैं उनके लिए नरदार के न जो कि माया से कारण नरदार के न उनके लिए भी संभव होता है। ऐसे कृष्ण इन सखाओं के विहार करते हैं साथ में
इनका कितना बड़ा पुण्य है। किसी पुण्य से हम हुए नहीं, ये क्या नंद बाबा किसी पुण्य से हुए नहीं, ये उनके परिकर है, नित्य परिकर है। बल्कि कभी कभी कृष्ण क्रिया बलदेव जी के काय भी मुझसे रूपी ये लोग हैं, इसमें जीव तत्व भी कुछ बलदेव प्रभु से समाये हुए हैं। इसमें कृष्ण के कायजीव माने बालदेव जी के कायजीव नित्य परिकर सत्ता लोग हैं, वे लोग जीवन तत्व नहीं है। और कुछ बलदेव प्रभु जैसे नित्य मुक्त नित्य जीव ही परम मुक्त है, जो कृष्ण की मधुर लीलाओं में है वो बलदेव जी के से निकले हैं। और कुछ नित्य परिकर है। इस प्रकार से उनके साथ में ये विहार करते हैं, कितनी लोभनीय चीज है महाप्रभु यही हो उत्तम। अब यहाँ पर बदला क्या उत्तम बदला, बिना सत्संग के वो वशीभूत नहीं हो सकते, इसलिए समय हो गया। अच्छा अरे जैसे प्रगति है वो लीला कथा में सफर और वो क्या करती है। ये प्रगति है क्या तुम्हारा साथ खुद माफ है। ठीक है, ये लोग जितने भी बाधा दें तुम लोग बाधा मत पा लिए। ठीक प्रश्न Make some bhakti. And
They know about Krishna's power and influence. So they mix bhakti with their jnana. But what happens? Oh, when they remember Krishna, at that time they realize Brahma Sukha, the happiness of mixing with Nirvishesh Brahma. Why? Krishna said in Gita, Yaya Kalam Prapatyate Taiva Vijayamyaham. If someone approaches him with a particular conception, then Sri Krishna will reciprocate with that. So, Itam Satam Brahma Sukhano, their realization of Krishna, what? Oh, only mixing with Nirvishesh Brahma, with the impersonal aspect of the truth. And they experience happiness from that. There's no suffering in that. But such persons, can they do bihar? Can they sport with Krishna? It's quite impossible. Because in that Brahma Sukha, in that happiness of liberation, there's no experience of variegated existence. There is no existence. There's no existence. No sattva. So, then Śrīla Gosvāmī is moving to the next category. Itam satam brahma sukhano bhuttam. Dasyam katanam paradaivateyam. Those who are serving in dasya mode, they consider Krishna as paradaivateyam.